बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वैनिशिंग टाइम अ बॉय हू रिटर्न। ये एक बहुत ही अनोखी कहानी है और इस कहानी में दिखाया जाता है कि तीन बच्चे वक्त के एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहां पर उनके अलावा और कोई भी नहीं होता। उस दुनिया में सिर्फ वही तीन है। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम सुरीन है और उसके सामने एक साइकाइट्रिस्ट होती है। सुरीन उससे बोलते है क्या ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करना जरूरी है। वो लेडी बोलते है कि हाँ मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। और इसके बाद सुरीन अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती कि मैं अपनी मॉम के साथ अकेली रहती थी लेकिन जब मैं फोर्थ ग्रेड में थी मेरी मॉम ने शादी कर ली लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद मेरी मॉम की मृत्यु हो गई और इसके बाद मुझे अपने स्टेप फादर के साथ रहना पड़ा। और जब मैं सिक्स ग्रेड में थी तो मेरे स्टेप फादर के काम के सिलसिले में हमें इस शहर में शिफ्ट होना पड़ा। ये एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड होता है जहाँ पर समंदर पहाड़ नेचर सब कुछ होता है लेकिन सुरीन की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है उसका अकेलापन। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, हमेशा खोई खोई रहती है। दरअसल उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। उसे दूसरी दुनिया पर, भूत प्रेतों पर, टाइम ट्रेवल पर, इन सब चीजों पर विश्वास होता है और वो इंटरनेट पर ये सब कुछ पढ़ती रहती है। अब एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रही होती तभी उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है सुंगमिन और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सुंगमिन सुरीन को बोलता है कि तुम्हारे शू के लेसेस खुले हुए हैं और वो अपना शू लेसेस बांध लेती है। वो लड़का एक ऑर्फनेज के बाहर होता है। सुरीन सुंगमिन से पूछती है क्या तुम इस ऑर्फनेज में रहते हो। सुंगमिन उसकी इस बात का जवाब नहीं देता लेकिन वो एक अनाथ है। अगले दिन जब ये दोनों स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में अनाउंस किया जाता है पास ही में जो सुरंग का काम चल रहा है वहां पर ब्लास्ट होने के बाद वहां पर बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें हो रही है इसीलिए उस साइड की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। अब जब सुरीन अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है तभी वो देखती है कि वहां पे सुंगमिन वो बच्चा जो उसे एक दिन पहले ऑर्फनेज के बाहर मिला होता है वो सब बच्चों को ये बता रहा होता है कि कैसे उसने आउट ऑफ बॉडी को एक्सपीरियंस किया यानी कैसे उसने अपनी सोल को अपनी बॉडी से निकलने के बाद एक्सपीरियंस किया। और जब सुरीन उन बच्चों के सामने आती है तो बच्चे उसे बताते हैं कि तुम्हारा ब्लॉग पढ़ने के बाद इसने वही सब एक्सपीरियंस किया जो वहां पर लिखा हुआ था। सुरीन कहती है कि ये बकवास है मैंने खुद लिखा था। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है और जब वो घर जा रही होती है तो उसके पीछे सुंगमिन आता है और इसके बाद ही दिखाया जाता है कि ये दोनों वही चीज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो सुरीन ने अपने ब्लॉग में लिखा था यानी कि आउट ऑफ बॉडी को एक्सपीरियंस करना अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से निकाल देना। और जब सुंगमिन ऐसा कर रहा होता है तो सच में उसका शरीर हवा में तैरना शुरू हो जाता है। सुंगमिन बोलती है कि तुम एक सपना देख रहे हो अपनी आंखें खोलो और वो देखता है कि वो अभी भी जमीन पर होता है। इसके बाद इन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। सुंगमिन कहता है कि मैं जल्दी इसे कर लूंगा। सुरीन पूछती है तुम्हें कितना वक्त लगेगा। वो कहता है मुझे एक हफ्ता लगेगा। सुरीन कहती है कि बकवास है मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाई। सुंगमिन बोलता है क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है इसीलिए तुम नहीं कर पाई। सुंगमिन बोलता है कि मैंने तुम्हारा पूरा ब्लॉग पढ़ा है उसमें घोस्ट के बारे में भी लिखा था कि कैसे घोस्ट को बुलाया जा सकता है और हम इसे ट्राई करेंगे। और इसके बाद सुंगमिन पूरी तैयारी करता है और ये घोस्ट को बुलाने की भी कोशिश करते हैं। और पूरी तैयारी करने के बाद ये दोनों अपने अपने मन की बात एक कागज पर लिख लेते ताकि उसका जवाब वो दे। और जब ये वापस जाते तो इनका जवाब उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता। सुरीन ने अपने कागज पर लिखा होता है क्या तुम मेरी मॉम से मिले लेकिन जवाब कुछ नहीं होता। वहीं पर सुंगमिन ने लिखा होता है कि जब तक मैं 30 साल का हूं तब तक मैं 6 फीट लंबा हो जाऊं और साथ ही साथ मेरे पास $10 million हो। और जब सुरीन उसका ये कागज पढ़ती है तो उसे बहुत हंसी आती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सवाल लिखना है तुमने तो विश लिख दी। और उसकी ये पागलों वाली विश पढ़ने के बाद सुरीन पहली बार हंसती है। ये दोनों बहुत हंसते हैं हालांकि सुंगमिन भी उसकी विश जानना चाहता है कि उसने क्या सवाल लिखा था लेकिन सुरीन उसे नहीं दिखाती। इसके बाद सुंगमिन एक दिन सुरीन को एक पुराना वुडन घर दिखाने के लिए ले जाता है और वहां पर सुरीन सुंगमिन को बताती है कि वो भी एक ऑर्फेन है। दरअसल जिस आदमी के साथ वो रहती है वो उसके स्टेप फादर हैं। उसके माँ बाप अब मर चुके हैं। सुंगमिन बताता है कि मेरे पिता ने जब मुझे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ा था उन्होंने कहा था कि तुम किसी भी हालत में सरवाइव कर जाओगे भले तुम किसी दूसरे डायमेंशन में क्यों ना चले जाओ। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बात कॉमन होती है कि इनके पास अपना कोई भी खून का रिश्ता नहीं होता इसीलिए इन दोनों के बीच में अब एक अपनापन पैदा हो जाता है। सुंगमिन को सुरीन यहाँ पर किस भी करती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सुंगमिन अपने दोस्तों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा होता है वहां पर सुरीन भी आती है
और सुरीन को जब ये पता चलता है तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि सुरीन के पिता उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं और स्कूल में ये मना भी किया गया था कि उस साइट की तरफ कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पर बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही हैं। लेकिन सुंगमिन और उसके तीनों दोस्त उस जगह जाना चाहते हैं, इसीलिए अब ये पांचों के पांचों उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन पांच में से एक लड़का आधे रास्ते से वापस घर चला जाता है और ये चारों उस साइट पर पहुंच जाते हैं जहां पर सुरंग का काम चल रहा है, लेकिन इन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा खास नहीं दिखता। दरअसल ये सब के सब जंगल के रास्ते गए होते हैं और तभी इन्हें जंगल में एक छोटी सी सुरंग दिखती है और ये तय करते हैं कि ये सब के सब इस सुरंग के अंदर जाएंगे। और जब ये सुरंग के अंदर जाते हैं तो वहां पर इन्हें पानी के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखती है जो कि अंडे के आकार की होती है। सुरीन कहती है कि मुझे लगता है ये मीटियोर है जो स्पेस से यहाँ पर गिरा है। और इसके बाद सुंगमिन पानी में कूदकर उस चमकती हुई चीज को बाहर ले आता है, लेकिन जैसे वो उस अंडाकार चमकने वाली चीज को पानी से बाहर निकालता है वो चमकना बंद हो जाती है। और इसके बाद सुरीन और उसके सभी दोस्त गुफाओं से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो चमकने वाली बॉल, वो अंडाकार बॉल अब पूरी तरह से पत्थर की लग रही होती है। इनके साथ जो टाइसिक होता है वो कहता है शायद ये गॉब्लिन का अंडा है जो समय खाता है। मेरे दादा ने बताया था कि जिस दिन पूरे चांद की रात होती है उस दिन पहाड़ों पर एक गुफा दिखती है और ऊपर पूरा चांद भी होता है। यहाँ पर जो उसके साथ उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे दादाजी पागल थे, वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते ना विश्वास करते हैं। लेकिन सुरीन को उसकी बातों पर विश्वास है, वो कहती है मुझे और बताओ। वो कहता है मेरे दादाजी ने बताया था कि जब आप केव के अंदर यानी कि गुफा के अंदर एंटर करते हो तो गॉब्लिन तुम्हारा समय चुराते हैं, धीरे धीरे तुम बड़े होते हो और एकदम से बूढ़े हो जाते हो। अब यहाँ पर सुरीन देखती है कि उसके सिर पर जो हेयर पिन होती है वो नहीं होती और वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी होती है। उसे लगता है कि वो अंदर गुफा में छूट गई और वो अकेले अंदर चली जाती है। वहां पर उसे वो हेयरपिन मिल जाता है और तभी पास में जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है जहां पर एक सुरंग बनाई जा रही है वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं जिससे ये गुफा भी पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाती है। और तभी सुरीन पानी में देखती है कि जो अंडा अभी अभी इन्होंने पानी से निकाला था वैसे ही एक अंडा पानी में चमक रहा होता है। ये देखने के बाद वो डर जाती है और जल्दी से गुफा से बाहर आती है और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहां पर उसका कोई भी दोस्त नहीं होता और जो अंडा ये पानी से निकाल कर लाए थे जिसे टाइसिक गॉब्लियन का अंडा कह रहा था वो भी टूटा हुआ होता है। सुरीन पूरे दिन अपने दोस्तों को ढूंढती है लेकिन उसे उसका कोई भी दोस्त नहीं मिलता और अब रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ पेरेंट्स आते हैं और वो सुरीन के डैड को जो वहां पर काम करते हैं उन्हें कहते हैं कि सब बॉम्ब ब्लास्ट बंद करो, हमारे बच्चे आज इसी तरफ आए थे लेकिन उनमें से कोई भी घर नहीं पहुंचा। और यहां पर सुरीन के स्टेप फादर को ये भी बताया जाता है कि हमारे बच्चों के साथ आपकी बेटी भी थी। इसके बाद सभी लोग जंगल में अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और अगली सुबह सुरीन उन्हें मिल जाती है जो बहुत बुरी तरह से डरी हुई होती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था। सुरीन सबको सब कुछ सच सच बता देती है लेकिन उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। और इसके बाद सुरीन को कहा जाता है कि हमें उस गुफा के पास ले जाओ और सुरीन जब उन्हें गुफा के पास ले जाने के लिए जंगल में जाती है तो रास्ता भूल जाती है। सबको ये लगता है कि सुरीन झूठ बोल रही है। तभी वहां पर पुलिस को कॉल आता है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी उन तीनों बच्चों में से एक की होती है जो गायब हुए। इसका नाम बुक होता है और इसकी मौत की वजह अस्थमा का अटैक बताया जाता है। अब यहाँ पर सुरीन एक बार फिर से अकेली हो चुकी है क्योंकि उसका दोस्त सुंगमिन अब लापता हो चुका है। और एक दिन जब वो घर पर होती है तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है और जब वो जंगल की तरफ जाती है तो वहां पर एक नकाबपोश आता और उसकी तरफ बढ़ता है। इस बात से सुरीन डर जाती है और वो नकाबपोश अपना नकाब हटाता है। एक बहुत बड़ा लड़का होता है और वो कहता है कि मैं सुंगमिन हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इस बात से सुरीन डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। हालांकि सुंगमिन उसे चुप भी करवाने की कोशिश करता है लेकिन सुरीन वहां से भाग जाती है और उस सड़क तक पहुंच जाती है जहां पर उसके पिता गाड़ी से आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो नकाबपोश वहां से चला जाता है और इसके बाद वो पुलिस वाला जिसके पास उन तीनों बच्चों के खोने का केस होता है वो उनके घर पर आता है और सुरीन बताती है कि वो नकाबपोश मेरी तरफ आया था, उसने कहा था मैं सुंगमिन हूँ। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं और पुलिस को जंगल में उस जगह जहां पर सुरीन को बड़ा लड़का मिला था
वहां पर एक नोटबुक मिलती है और पुलिस जब उस नोटबुक के बारे में सुरीन से पूछती है कि ये तुम्हारी है, तो सुरीन देखती है कि उस नोटबुक में उस भाषा का इस्तेमाल किया गया होता है जो सुरीन और सुंगमिन किया करते थे और वो समझ जाती है कि ये सुंगमिन ने लिखी है क्योंकि इस भाषा को ये दोनों ही पढ़ सकते हैं। सुरीन कहती है कि हाँ ये मेरी नोटबुक है और वो उस नोटबुक को लेकर वहां से निकल जाती है और जब वो उस नोटबुक को पढ़ती है तो उसमें वहां से आगे की कहानी लिखी होती है। जब सुरीन गुफा के अंदर चली गई थी और ये तीनों बच्चे गुफा के बाहर रह गए थे और वो अंडा जो ये पानी के अंदर से निकाल कर लाए थे ये उसको फोड़ देते हैं और तभी यहाँ पर समय में कुछ बदलाव होता है और ये समय के एक भंवर में फंस जाते हैं जहां पर पूरी दुनिया पॉज हो जाती है। सुंगमिन गुफा के अंदर भी आता है जहां पर सुरीन होती है लेकिन वो भी पॉज हो चुकी है, ना वो बात कर सकती है ना वो सांस ले सकती है। ये तीनों बच्चे शहर में आते हैं और शहर में देखते हैं कि पूरा शहर उस पल में पॉज हो गया होता है जिस पल में इन्होंने उस अंडे को फोड़ा था। यहाँ तक कि पंछी भी जिस जगह पर उड़ रहे थे वो भी वहीं पर पॉज हो गए थे। शुरू में इन्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है, शहर में जाते हैं, वहां पर जो मन करता है वो करते हैं, जो खाना होता है वो खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें अब इन चीजों से परेशानी होना शुरू हो जाती है। ये जिस भी चीज को उठाकर हवा में छोड़ते वो वहीं पर अटक जाती है। ये गाड़ी नहीं चला सकते, पानी में बोट नहीं चला सकते, ये इस आइलैंड में अटक चुके हैं। इनके साथ जो तीसरा लड़का होता है जिसका नाम वूक है, उसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और उसके पास उसका पंप नहीं होता जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और ये वही बच्चा होता है जिसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये इस दुनिया में बहुत बड़े हो जाते हैं। आज इन्हें यहाँ पर 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जब यहाँ फंसे थे तो ये 14 साल के थे, यानी कि अब ये लगभग 20 साल के हो चुके हैं। और अब जो सुंगमिन के साथ उसका दोस्त टी सीख है वो पूरी तरह से हताश हो चुका है। वो समझ चुका है कि वो इस भंवर से कभी भी निकल नहीं सकते। वो बहुत गुमसुम रहना शुरू हो जाता है लेकिन सुंगमिन को अभी भी यकीन है कि वो वापस जाएगा। लेकिन एक दिन उसे भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद अब वो यहाँ से निकल ना पाए। और एक दिन जब वो जमीन पर लेटा होता है तभी वो आसमान की ओर देखता है और उसे चांद में कुछ बदलाव दिखता है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो अपने दोस्त टीसी को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन पूरा आइलैंड छान मारने के बाद भी उसे टीसी कहीं भी नहीं मिलता। और कई दिनों बाद जब वो एक चट्टान के किनारे पर जाता है तो वहां पर उसे अपने दोस्त के कपड़े दिखते हैं और वो समझ जाता है कि उसके दोस्त ने यहाँ से पानी में कूद कर अपनी जान दे दी है। इस बात से वो पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो कहता है शायद कुछ भी बदला नहीं था, ये सब मेरा भ्रम था और जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी गलती थी क्योंकि वो अंडा सुंगमिन ने फोड़ा था। और अब वो भी अपनी जान देने के लिए उस चट्टान से पानी में कूद जाता है और जब वो पानी के नीचे जाता है तो वहां पर उसे अपने दोस्त की डेड बॉडी भी दिखती है और तभी पानी में जो मछलियां पूरी तरह से पॉज होती है वो हिलना शुरू हो जाती है। और अगले पल सुंगमिन देखता है कि वो समंदर के किनारे पर है। वक्त एक बार दोबारा से चलना शुरू हो गया है, यानी कि वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच चुका है। हालांकि उसने उस रुकी हुई दुनिया में कई साल बिताए, वो बड़ा हो चुका है, लेकिन ये दुनिया अभी उसी जगह पर होती है जहां उसकी छोटी सी दोस्त सुरीन अभी भी छोटी है। और अब सुरीन को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो बाहर पुलिस वालों को कहती कि मैंने जो तुम्हें बताया था वो सब कुछ झूठ था। और इसके बाद वो उस घर में जाती है जहां पर बचपन में सुंगमिन सुरीन को ले गया था, क्योंकि कहानी पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सुंगमिन आज भी वहीं पर है और वहां पर सुंगमिन होता है। अब वो काफी बड़ा हो चुका है हालांकि सुरीन छोटी है और वो सुंगमिन से कहती कि मैंने तुम्हारी पूरी कहानी पढ़ ली। और इसके बाद ये दोनों बहुत रोते हैं। सुंगमिन सुरीन से कहता है कि मुझ पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं सुंगमिन हूँ। सुरीन कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। वो उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लाई होती है और सुंगमिन जब उस डिब्बे से खाना निकालता है तो उसे हवा में छोड़ देता है। उसे लगता है कि ये हवा में ही अटक जाएगा जैसे उस दुनिया में हुआ करता था, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। दरअसल इतने सालों तक उस दुनिया में रहने के बाद इसे उसी दुनिया की आदत पड़ चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सुंगमिन जो कि अब बड़ा हो चुका है उसका एक वीडियो मिलता है और अब पुलिस को उस पर शक है। यहाँ सुंगमिन और सुरीन पुलिस को सब कुछ बताने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी कहानी जिस तरह की होती है उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सुरीन ये कहानी अपने स्कूल के एक दोस्त को बताने की भी कोशिश करती है जो सुंगमिन का भी दोस्त है। वो भी उस पर विश्वास नहीं करता बल्कि वो उसकी उस नोटबुक को जिसमें पूरी कहानी होती है वो उसे पानी में फेंक देता है।
वही दूसरी तरफ शहर में सुंगमिन के नाम के पोस्टर लग जाते हैं, जो कि बड़ा सुंगमिन है और उसके ऊपर तीन बच्चों को अगवा करने का इल्जाम है और जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे $30,000 मिलेंगे। यहाँ पर सुरीन ने जिस लड़के को सुंगमिन के बारे में बताया था कि वो वापस आ चुका है, वो ये बात अपने पेरेंट्स को और टीसी के पेरेंट्स को बता देता है। टीसी जो आज भी लापता है और उनके पेरेंट्स सुरीन के पिता से लड़ने के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि जिस सुरंग में ये काम करते हैं उस सुरंग में विस्फोट होते हैं और उस विस्फोट में कोई ना कोई हादसा हुआ था, जो ये बात आज भी उनसे छुपा रहे हैं। वो सुरीन के पिता से सच जानना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम्हें सच पता है, तुम्हारी बेटी को भी सच पता है, इसीलिए वो अलग अलग कहानियां बनाती है और वो सुरीन के पिता से लड़ते हैं। सुरीन के पिता को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सुरीन से परेशान हो चुके होते हैं और वो सुरीन के पास जाते हैं। सुरीन उस वक्त उस ऑर्फनेज में होती है जहां पर सुंगमिन पला बड़ा था और वो उस लेडी से कहती है कि अगर तुम्हारे सामने सुंगमिन आ जाए और वो बड़ा हो तो क्या आप उसे पहचान लेगी। वो कहती हाँ शायद मैं उसे पहचान लूंगी। और तभी यहाँ पर सुरीन के पिता आ जाते हैं और वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन जाते हुए सुरीन सुंगमिन को इशारा कर देती है कि तुम उन्हें सब कुछ बता दो, मैंने उनसे बात कर ली है। और जब सुंगमिन उन्हें बताता है तो उन्हें भी उसकी बात पर, उसकी कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुरीन के डैड उसे घर पर बंद करके वहां से निकल जाते हैं और उनके पास सुरीन का मोबाइल भी होता है और जब वो उसमें फोटोज चेक करते हैं तो उसमें उस लकड़ी वाले घर की बहुत सारी फोटोज होती है जहां पर सुरीन और सुंगमिन एक साथ जाया करते थे, जहां पर सुंगमिन अब भी रहता है। और उन्हें पूरी तरह से शक हो जाता है कि हो ना हो वो दो बच्चे जो आज भी गायब है वो उसी घर के अंदर है। और इस बात से परेशान होकर वो वापस अपने घर आते, लेकिन वहां पर सुरीन नहीं होती क्योंकि सुंगमिन के साथ वो यहां से जा चुकी होती है। और सुंगमिन और सुरीन उसी पहाड़ की चोटी पर जाते हैं जहां से सुंगमिन आखिरी बार कूदा था जब वो समय में फंस गया था। और सुरीन यहां पर बोलती है कि टीसी के दादा ने जो उसे कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी, लेकिन उन्हें ये कहानी कैसे पता चली। सुंगमिन सुरीन को कहता है कि जब उसके दादा का एक दोस्त बहुत सालों पहले गायब हो गया था तो लोगों ने कहा था कि वो गॉब्लियन के अंडे की वजह से गायब हुआ। सुरीन कहती है कि इसका मतलब गॉब्लियन का अंडा पास्ट में भी था। और तभी उसे वो पल याद आता है जब वो सुरंग के अंदर अपनी हेयरपिन लेने के लिए गई थी और वहां पर उसे पानी के अंदर दोबारा रोशनी दिखी थी, यानी कि वहां पर गॉब्लियन का अंडा दोबारा वापस आ गया था। और वो सुंगमिन को बोलती है कि हमें वहां पर जाना चाहिए। सुंगमिन कहता है कि हम उस अंडे का क्या करेंगे। सुरीन कहती है कि उसे मेरे पिता के आगे, पुलिस के आगे और सब लोगों के आगे जो हमारी कहानी पर विश्वास नहीं करते उनके सामने फोड़ देंगे ताकि सब के सब उस समय के भंवर में पहुंच जाए। लेकिन सुंगमिन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसने अपने दोस्तों को वहां पर मरते हुए देखा है। वो कहता है कि हम दोनों यहां से कहीं दूर चले जाते हैं जहां पर हमें कोई भी पहचानता ना हो। और इसके बाद ये उस वुडन के घर पर जाते हैं जहां पर सुंगमिन रहता है। वहां पर उसके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, लेकिन वहां पर पहले सुरीन के डैड होते हैं और वो पीछे से उस पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। लेकिन सुंगमिन भी उन पर हमला करता है और वो भी उन्हें घायल कर देता है। सुंगमिन उन्हें मारने वाला होता है लेकिन सुरीन मना कर देती है और इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाद में यहाँ पर पुलिस भी आते लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन सुरीन के पिता पुलिस को सुरीन का मोबाइल दे देते हैं जिसमें सुंगमिन की फोटोज भी होती हैं। और अब सुरीन और सुंगमिन इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बिना आईडी के उनको टिकट नहीं मिलती। वहां पर वो देखते हैं कि टीवी पर सुरीन की और सुंगमिन की फोटो भी दिखाई जा रही है और इसका मतलब ये है कि अब इन्हें पूरा शहर ढूंढ रहा है। सुरीन और सुंगमिन वहां से निकल जाते हैं, पुलिस इनका पीछा भी करती है जिसमें पुलिस सुरीन को पकड़ लेती है लेकिन सुंगमिन वहां से भाग जाता है। और अब पुलिस सुरीन से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस को ये लगता है कि उस लकड़ी वाले घर में जंगल में सुरीन को एक लड़का मिला जिसने सुंगमिन को अगवा कर लिया और सुरीन को ये यकीन दिला दिया कि वो ही सुंगमिन है। पुलिस सुरीन को कहते हैं कि हो सकता है कि सुंगमिन और उसका दोस्त टीसी अभी भी जिंदा हो और तुम उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन सुरीन उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि सच्ची कहानी वो उन्हें सुना चुकी है। और उसी रात वो वहां से भागने में कामयाब भी हो जाती है और वो देखती है कि आज भी पूरे चांद की रात होती है, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन इन्हें वो सुरंग दिखी थी उस दिन भी पूरे चांद की रात थी। वो अकेले ही जंगल में चली जाती है और उसे वो गॉब्लियन की गुफा मिल जाती है जहां पर उन्हें वो अंडा मिला था। सुरीन गुफा के अंदर जाती है और पानी के अंदर से वो उस चमकदार अंडे को बाहर ले आती है और जब वो सुरंग से बाहर निकल रही होती है तो सुरंग के बाहर अंडे को रख देती है। अंडा लुढ़कते हुए नीचे खिसक जाता है जहां पर पहले से सुंगमिन खड़ा होता है और वो अंडे को उठा लेता है। वो सुरीन को कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं,
नहीं है। मैं पुलिस को बोल दूंगा कि जो बच्चे गायब हुए थे मैंने उन्हें किडनैप किया था और फिर मैंने उन्हें मार दिया। सुरीन कहती है जब पुलिस तुमसे पूछेगी तुम कौन हो तब तुम क्या कहोगी। वो कहती है मुझे करने दो, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस आऊंगी और जब मैं वापस आऊंगी उस वक्त हम दोनों एक ही एज की होंगे। और वो ये सब पुलिस के आगे अपने पिता के आगे करना चाहती है ताकि वो भी सब उसी समय के भंवर में चले जाए और उन्हें इनकी कहानी पर यकीन हो जाए। लेकिन सुंगबिन नहीं चाहता, वो किसी को सफर नहीं होने देना चाहता, इसीलिए वो अंडा लेकर पहाड़ी की उसी चोटी पर चला जाता है जहाँ नीचे समंदर होता है। और तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस कहती है कि सुरीन को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन सुरीन खुद सुंगबिन के आगे आ जाती है, वो कहती है एक बार इसकी कहानी सुनो इसके साथ जो हुआ। लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहती और तभी पुलिस वाला पीछे से आके सुंगबिन को पकड़ लेता है। और जब सुरीन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है लेकिन पुलिस वाला उसका हाथ पकड़ लेता है। अब सुरीन पहाड़ी से नीचे लटकी हुई है, सुंगबिन उसे बचाने के लिए साइड से जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उसका हाथ पकड़कर खींच पाता पुलिस वाला जिसने सुरीन को पकड़ा होता है उसका हाथ छूट जाता है और ये दोनों उस ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और तभी ये दिखाया जाता है कि वक्त एक बार फिर से रुक जाता है। सुरीन देखती है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर पूरी तरह से वक्त रुका हुआ है, उसके साथ सुंगबिन भी है लेकिन ये सिर्फ उसका एक सपना होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो समंदर के किनारे होती है और उसके साथ वो पुलिस वाला भी होता है जिसने उसको बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा था जो सुरीन के साथ ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरा था। दरअसल सुंगबिन ने दोबारा से अंडा फोड़ दिया था जिसकी वजह से वो दोबारा से उस समय के भंवर में फंस गया और इससे पहले कि सुरीन और पुलिस वाले की जमीन पर गिर के मौत होती सुंगबिन ने उन्हें हवा में ही अटका दिया और इसके बाद उन्हें समंदर के किनारे पर रख दिया जिस वजह से सुरीन की और पुलिस वाले की जान बच गई। पुलिस वाला सुरीन को घर ले आता और उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी और मेरी जान बच गई। मैं तुम्हारी कहानी पर विश्वास करता हूँ लेकिन इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है क्योंकि इनकी कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और तुम्हें अब इन सब चीजों से बाहर आना है तो तुम्हें पुलिस को ये बयान देना पड़ेगा, मीडिया के आगे कहना पड़ेगा कि उसने तुम्हें डराया कि अगर तुमने वो नहीं किया जो कह रहा है तो तुम्हारे दोस्तों को मार देगा और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अब कहानी उसी जगह पर आती है जहाँ पर सुरीन ये पूरी कहानी एक साइकाइट्रिस्ट को कैमरे के आगे बता रही होती है। वो साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं कि मैं इस कहानी पर एक किताब लिखना चाहती हूँ तो माइंड तो नहीं करोगे। सुरीन कहती है कि नहीं और वो उसे एक पेज देती है जिसमें कुछ लिखा होता है और ये वही भाषा होती है जो सिर्फ सुरीन और सुंगबिन जानते हैं, ये उनकी एक हिडन भाषा है। साइकाइट्रिस्ट बोलती है कि इसमें क्या लिखा है, वो कहती है कि एक सीक्रेट। इसके कुछ वक्त बाद वो इस किताब को छाप देती है और इस किताब का नाम रखा जाता है वैनिशिंग टाइम। और अब सुरीन इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पढ़ने के लिए जा रही है और जब उसके पिता उसे गाड़ी में ले जा रहे होते हैं तभी उसे रास्ते में सुंगबिन जैसा कोई दिखाई देता है। वो भागते हुए उस तरफ जाती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। और इसके बाद सुरीन पानी के शिप से इस जगह को छोड़ देती है और वो किताब निकालती है वैनिशिंग टाइम और उसके पहले पेज पर वो मैसेज होता है जो उसने उस साइकाइट्रिस्ट को दिया था और ये मैसेज होता है कि व्हाइट मून, मैं अपनी आंखें बंद करके चल सकती थी, अंधेरा मुझे डराता था पर मैं अपनी आंखें खोल सकती थी लेकिन बहुत जल्द मैंने डरना बंद कर दिया। और ये सब सुंगबिन की वजह से हुआ होता है इसीलिए उसने इस बुक में वो मैसेज छपवाया होता है जो सिर्फ वो और सुंगबिन पढ़ सकते हैं। और तभी उसे एहसास होता है कि सुंगबिन उसके आसपास ही है और जब वो ऊपर डेक पर जाती है तो वहां पर सुंगबिन खड़ा होता है जो एक बार फिर से उस दुनिया से वापस इसी दुनिया में आ चुका है। हालांकि सुंगबिन की उम्र अब पहले से भी ज्यादा है लेकिन वो और सुरीन एक साथ है जिससे सुरीन को बहुत खुशी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एक कोरियन फिल्म है जो ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।